हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमी जेनेट पर। दोस्तों आज हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी है, हरियाणा के अंदर 2595 असिस्टेंट प्रोफेसर की नई भर्ती निकलने वाली है, तो उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। और जिन दोस्तों का नेट जेआरएफ सेट या फिर पीएचडी कंप्लीट है तो वो इस वीडियो को पूरा देखना और ध्यान से देखना, क्योंकि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके ऊपर हम यूजीसी नेट से रिलेटेड जानकारी देते रहते हैं और हम आपको तैयारी भी करवा रहे हैं जून 2020 एग्ज़ाम की। और दोस्तों इसके साथ साथ अगर आपने हमारी ऐप निमीज नेट डाउनलोड नहीं किया तो वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसके अंदर भी हम आपको पूरा कम्प्लीट स्टडी मटेरियल दे रहे हैं, आपको लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलने वाली है हरियाणा के अंदर उनके बारे में। दोस्तों आप ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये दैनिक जागरण का न्यूज़पेपर है और ऊपर देखिए 24 जनवरी 2020 का न्यूज़पेपर है ये। और यहाँ पे देखिए कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की बम्पर भर्ती यहाँ पे दिया हुआ है, 2500 नए पद सृजित। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और पूरी जानकारी लेते हैं। ये देखिए हरियाणा के सरकारी कॉलेजों में स्टाफ की कमी दूर होने जा रही है। प्रदेश सरकार ने 2592 असिस्टेंट प्रोफेसर के नए पद सृजित किए हैं जो 33 विषय पढ़ाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों 33 सब्जेक्ट इंक्लूड होंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसरों की अब तक की सबसे बड़ी भर्ती के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश में कुल 157 राजकीय महाविद्यालय हैं जिनमें करीब 1,90,000 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इन महाविद्यालयों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के पहले से ही 4,975 पद स्वीकृत है। पहले से कितने दोस्तों? 4,975 है। और प्रदेश सरकार अब 33 विषयों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के 2,592 नए पद मंजूर करने से स्वीकृत पदों की कुल संख्या 7,567 हो जाएगी। यानी कि अगर 2,592 नए पद ऐड कर दिए जाते हैं तो टोटल कितनी हो जाएगी? 7,567 पद हो जाएंगे। रिक्त पदों पर जल्दी भर्ती की जाएगी। शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने इस कदम को ऐतिहासिक व उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में निर्णायक बताते हुए कहा कि प्रदेश सरकार सभी विद्यार्थियों को गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है। तो आप यहां से देख सकते हैं दोस्तों कि कितनी वैकेंसी निकली है। और दोस्तों अगर आपको ये पूरी जानकारी चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट निमीज नेट से भी ले सकते हैं, इसका लिंक भी हम वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी ये जो वैकेंसी है इसके बारे में। और दोस्तों अगर आपने अभी तक, फिर से मैं वही बात कहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन जरूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस को आसानी से देख सकें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और दोस्तों ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने यार दोस्तों के साथ और अपने रिश्तेदारों के साथ, जो भी जिनका भी नेट सेट जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है या जो तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू दोस्तों।